वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ माई फैमिली व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, सब कुछ निपटने के बाद हम कजिन्स यहाँ खाना खाने बैठे थे और अब पार्ट टू स्टार्ट होता है यहाँ से। खा लिया सही से? अभी तो शुरू कर रहा है। रोटी लाऊं? क्या हुआ तुम? मिल लो, गले मिल लो। ये हो रही है थोड़ी सी फोटोग्राफी, हमने करा ली मेरी फैमिली की, मम्मी के साथ, बुआ के साथ, पूरी फैमिली, मम्मी पापा के साथ दोनों, और ये मेरे कज़न है, एंड दिस इज़ द होल फैमिली पिक्चर। इस तरह से हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी करा ली, ज़रूरी थी भाई। रात का एक बज रहा है, एक, और हम जा रहे हैं दूसरे घर, दूसरे लोगों से मिलने, उनको हार डालने, उनसे गले वाले मिलाएं, थोड़ा सा दुआएं ले आए उनसे। ये न्यू गार्ड है हमारे यहाँ के, गार्ड को जो है ना हमने हमें फंसा दिया गया है इस स्टेशन में। गणतंत्र दिवस के मौके पे बच्चों, ये हमें सस्ता और टिकाऊ गार्ड मिली है। आज का दिन हुआ खत्म और अब हम जाएंगे सुबह एयरपोर्ट जाएंगे हम सब सुबह एयरपोर्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट जाने के लिए, मम्मी पापा को छोड़ने के लिए, और यहाँ हम मम्मी को लेकर जा रहे हैं गाड़ी में बिठाने के लिए, और अगेन शी इज़ वेरी इमोशनल राइट नाउ। इसी के साथ यहाँ से हमारी जर्नी टू द एयरपोर्ट होती है स्टार्ट, जो कि इस कार में सिर्फ हमारी ही फैमिली बैठी थी, क्योंकि वी वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स। एंड यहाँ हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और सारी गाड़ियों से कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए हम लोग एयरपोर्ट के लिए थोड़ा लेट भी हो गए थे। एंड हियर वी आर ऑन द एयरपोर्ट, दिस इज़ माय फुल फ्लेज फैमिली ऑन द एयरपोर्ट टू ड्रॉप माय पेरेंट्स, और यहाँ कुछ लास्ट मोमेंट्स हमारे हमारी फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, जो कि काफ़ी इमोशनल थे, सब काफ़ी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे सभी लोग। देख सकते हो आप लोग, ये पापा हैं, पापा से भी मिलके काफ़ी सब इमोशनल हुए हुए थे, हार डाल रहे थे, गले मिल रहे थे। वो कहते हैं ना कि बेटियों का पहला हीरो उसके पापा होते हैं और माँ की परछाई उसकी बेटी होती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। मम्मी पापा से बढ़ के दुनिया में कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। यहाँ द फैमिली इज़ रेडी टू टेक एंट्री इन साइड द एयरपोर्ट, सब लोग रेडी हैं, एंड द फाइनल गुड बाय। यहाँ सब लोग चले गए थे, एंड वी होप एंड प्रे कि आपका उम्रा और आपकी सारी दुआएं कबूल हो, अल्लाह आपको वहाँ पर अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन, आपकी सारी दुआएं कबूल हो, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।